जिला कठुआ में कोरोना के मामलों में लगातार इजाफा हो रहा है, लगातार संक्रमितों की संख्या में इजाफा हो रहा है। ऐसे में आपको बता दें कि पिछले कल भी 38 मामले यहां पर कोविड पॉजिटिव यहां पर रिपोर्ट हुए थे। पिछले 3 दिन की अगर बात करें तो 90 नए मामले जिला कठुआ से रिपोर्ट हुए हैं, जिसके बाद डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कठुआ ने रैंडम सैंपलिंग के आदेश जारी कर दिए थे कि जितने भी ऑफिसेज हैं और बाजार्स हैं वहां पर रैंडम सैंपलिंग की जाएगी। और उसी के तहत आज डीसी ऑफिस कठुआ में रैंडम सैंपलिंग की प्रक्रिया यहां पर शुरू की गई। तो आपको बता दें कि 100 के करीब अभी तक कोरोना की जाँच जो है वो एम्प्लॉयज़ की हो चुकी है और 8 लोग इसमें पॉजिटिव आए हैं। ऐसे में डीसी ऑफिस कठुआ को अगले आदेशों तक आम जनता के लिए प्रवेश जो है वो निषेध कर दिया है। बाकायदा तौर पर नोटिस जो है वो यहाँ पर चिपका दिया गया है कि नो एंट्री विदाउट कोविड लेटेस्ट टेस्ट रिपोर्ट, 24 घंटे के भीतर आपकी जो नेगेटिव रिपोर्ट है अगर आपके पास वो नहीं है तो आपको डीसी ऑफिस कठुआ में एंट्री नहीं दी जाएगी। आपको बता दें कि 8 एम्प्लॉयज़ डीसी ऑफिस कठुआ के यहाँ पर पॉजिटिव आए हैं, जिसके बाद डीसी ऑफिस कठुआ को आम जनता के लिए बंद कर दिया गया है। डीसी कठुआ का साफ तौर पर ये कहना है कि इसके लिए अब हेल्पलाइन नंबर जारी कर जाएंगे। जो भी लोग डीसी ऑफिस कठुआ पहुंच रहे हैं किसी काम के सिलसिले में, उन लोगों के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी कर दिया जाएंगे। ऑनलाइन जो है वो सारे कार्य यहां पर किए जाएंगे, क्योंकि लगातार कोरोना के मामलों में इजाफा हो रहा है। रैंडम सैंपलिंग के आदेश दिए गए थे और आज 8 एम्प्लॉयज़ डीसी ऑफिस कठुआ के यहां पर पॉजिटिव आए हैं और अगले आदेशों तक डीसी ऑफिस कठुआ में आम जनता की एंट्री को पूरी तरह से प्रतिबंध कर दिया गया है। डीसी ऑफिस कठुआ से वीडियो जर्नलिस्ट कुलदीप चौधरी के साथ सरबजीत सिंह, जेके मीडिया के लिए। देखिएगा, कोविड के बढ़ते हुए केसेस को देखते हुए हमारे डिफरेंट ऑफिसेस में और पब्लिक प्लेसेस में रैंडम सैंपलिंग का डायरेक्शन दी गई थी और उसी के तहत ही आज हमारे डीसी ऑफिस कठुआ में यहाँ पर रैंडम सैंपलिंग की गई और इसमें करीब अभी तक 100 के करीब टेस्ट हो चुके हैं, जिसमें से अभी तक 8 लोग पॉजिटिव रिपोर्ट हुए हैं। सो मैं जो हमारे अभी एंट्री को रिस्ट्रिक्ट किया गया है और आने वाले रिक्वेस्ट रहेगी कि वो जहाँ तक अगर अवॉइड हो सके तो डीसी ऑफिस कठुआ में जो अनअवॉइडेबल जो अवॉइडेबल वर्क्स हैं उसके लिए यहाँ पर आना अवॉइड किए करें, और अगर कोई आपको इशू हो तो आप उसको हमारे डीसी ऑफिस के फ़ोन नंबर पर या फिर हमारे जो हेल्पलाइन नंबर हम आज शाम तक जारी भी करेंगे, कोई अगर अर्जेंट वर्क है तो आप वहाँ पर भी बता सकते हैं, सो दैट आपकी जो समस्या है उसका समाधान किया जा सके। देखिएगा, उसके लिए आने वाले समय में जो है डायरेक्शन जारी करती जाएंगी, बट अभी एज एन अभी ये है कि अभी हमारे डीसी ऑफिस कठुआ में एंट्री को रिस्ट्रिक्ट किया गया है और सभी लोगों से मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा कि वो जहाँ तक हो सके वो जो अवॉइडेबल वर्क्स हैं उसके लिए वो यहाँ पर विजिट को अवॉइड करें और हमारे पूरे ऑफिस का सैनिटाइजेशन होने के बाद और सेकेंड राउंड ऑफ टेस्टिंग कुछ दिनों के बाद फिर से होने के बाद ही वो हमारे डीसी ऑफिस कठुआ में विजिट करें। Thank you.